दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है IC 814। और 29 अगस्त को जैसे ही ये वेब सीरीज रिलीज हुई इस पर हंगामा मचा दिया। हंगामा ये मच गया कि उसमें जो अपहरणकर्ता थे, जो आतंकवादी थे जिन्होंने विमान को हाईजेक किया था, उनके जो नाम थे वो हिंदू धर्म के लोगों के नाम पर रखे गए थे। अब क्या ये सही था कि उन्होंने सही नाम रखा था? जो भी उन्होंने जो फिल्म के डायरेक्टर थे, निर्माता निर्देशक थे, उन्होंने जो नाम रखा था क्या वो नाम सही था या नहीं था, हम इस मुद्दे पर पूरा बात करें दोस्तों इस वीडियो में। और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर आपको दुनिया भर की सारी जानकारी जो भी नहीं आपको नॉलेज इंक्रीज करती है सारे देते रहता हूँ मैं। दोस्तों मेरा नाम मंटू बनवाल, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज रिलीज हुई IC 814 करके। जैसे वो रिलीज हुई उस पर विवाद शुरू हो गया। विवाद ये था कि उसमें कुछ हाईजैकर थे और ये रियल घटना थी। 1999 में एक रियल घटना हुई थी इंडिया में, मतलब एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, तो उसकी पूरी कहानी बताई गई कैसे उसको हाईजैक कर लिया गया, क्या क्या उस समय डिमांड हुए थे, कैसे नेगोशिएट किया गया उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट से, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने क्या किया, उस विमान को कैसे कैसे कहाँ कहाँ ले जाया गया, लास्ट में क्या हुआ, सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों तो हुआ क्या कि जैसे वेब सीरीज रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद जो है हंगामा मच गया। हंगामा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, शेयर, जहाँ जहाँ भी सोशल मीडिया आप जानते हैं ट्रेंड करने लगा कि भैया ट्रेंड ये करने लगा कि उसमें जो अपहरणकर्ता का नाम थे या नाम दिए गए हैं वो जो है हिंदू लोगों के नाम पर दिए गए हैं, जबकि वास्तव में जो उसमें अपहरणकर्ता थे वो इस्लामिक मतलब पाकिस्तानी थे। और जबकि पाकिस्तानी थे तो सिंपल सी बात है, मुसलमान होंगे। मैं पाकिस्तानी मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो वहाँ पर रियल में हुए थे, ठीक है। तो फिर जो है अब उसके बाद से जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी होती है, उन्होंने नेटफ्लिक्स की जो कंटेंट ओनर है ने जो है नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड को समन जारी किया, और समन जारी करके जो है उनको बोला कि भैया आप जो है ये जो भी आपकी जो मिसलीडिंग हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको हटाइए, दूर कीजिए, जो है इस पर जो भी आपत्तिजनक चीज़ें उसको हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और आगे से ध्यान रखेंगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। ये तो बात हो गई कि जो अभी वेब सीरीज हुई है, लेकिन वास्तव में कंधार विमान हाईजैक में हुआ क्या था, हम थोड़े से जानने की कोशिश करेंगे उसके बारे में, उससे हुआ क्या था। दोस्तों अब बहुत ही सुनियोजित तरीकों से, देखिए आज तक बहुत सारी चीज़ पता नहीं चल पाई कि उस समय अब क्या क्या उनकी मतलब उनकी व्यवस्था थी, किस क्या क्या उनके पास हथियार थे नहीं थे। देखिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से काठमांडू से एक फ्लाइट को हाईजेक कर लिया गया, जो इंडियन एयरलाइंस 24 दिसंबर 1999 में काठमांडू से एक फ्लाइट थी IC 814 करके, जो दिल्ली के लिए जानी थी और लगभग 2 घंटे की दूरी थी। लेकिन जैसे ही वो विमान जो है वहाँ से और इंडियन एयरस्पेस में आती है, शाम को 5:30 बजे करीब में ये मैसेज फैलता है कि उसको जो हाईजेक कर लिया गया है। और जब हाईजेक कर लिया गया तो जो उनके विमान के पायलट थे, जो जिसको पायलट थे, उन्होंने बोला कि कैसे कैसे उन्होंने व्यवस्था की, व्यवस्था के बाद उन्होंने कुछ जो कुछ उन्होंने टेक्निकल दिखाया होगा, दिखाने के बाद से जो है वो जो अपहरणकर्ता थे, जो हाईजेक करते उसको ले जाना चाहते थे कहाँ पे, लाहौर में, गोवा का लाहौर ले जाएंगे इसको। और ये जो विमान जो काठमांडू से चला था दिल्ली के लिए, इसमें शाम करीब 4 बजे सभी यात्री विमान बैठ चुके थे। बैठने के बाद जो है शाम को 4:43 में विमान वहाँ से उड़ गया। उड़ने के बाद जो है बंदा चला वहाँ पे, चलने के बाद जो है जैसे 5 बजे के राउंड में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जो है अपने इंडियन एयर स्पेस जो होती है, मतलब जो हर एक कंट्री के ना ऊपर कुछ एयर स्पेस होता है, मतलब जिसको एयर स्पेस बोला जाता है, जब वहाँ से आया तो पता कि भाई ये विमान जो है हाईजैक कर लिया गया है। वो जो अपहरणकर्ता था विमान को लाहौर ले जाना चाह रहे थे, वो बोले कि लाहौर ले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, उनको बताया गया कि जो है विमान में फ्यूल कम है, ईंधन कम है, उसकी वजह से आपको लाहौर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो शाम को 7 बजे करीब में जो है उसी दिन सेम डे जो है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में उसको लैंड कर दिया गया। अब लैंड जब अमृतसर में कर दिया गया तो एजेंसियाँ जो इंडियन की एजेंसियाँ थी, जो भी पुलिस एजेंसियाँ थी या जो भी खुफिया विभाग था, उनको लगा हुआ कि वहाँ पर जाकर कुछ जो है एक्टिविटी करके और जो भी लोग अपहरण हुए हैं उनको बचा लेंगे, छुड़ा लेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और अपहरणकर्ता जो थे हाईजैकर थे, उन्होंने बोला कि जो जहाज है उसमें आप जो है फ्यूल भरिए, जो इधर खाली हो गया भरिए, उसको ले जाएंगे वहाँ से। तो उसके बाद से 7:50 करीब में जो है उन्होंने मजबूर करके बिना ईंधन भी भरा, मतलब ईंधन भी नहीं भरा, ठीक है, और उड़ान भर दी वहाँ से। अब उनको लगा कि भैया ये लोग कुछ करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि अपहरणकर्ताओं से रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने कहा गया, भैया आप इंजन बंद कर दिए तो रिफ्यूल करेंगे, उन्होंने बोला इंजन बंद नहीं होगा, आप जो है इंजन बंद नहीं कर देंगे, आप जो सीधे विमान में तेल भरिए फिर हम उड़ेंगे वहाँ से। जब रिफ्यूलिंग नहीं की गई तो भी अपहरणकर्ता जो है अपने मतलब डरा के धमका के जैसे भी हो विमान को अमृतसर से वापस ले गए। और ले जाने के बाद जो है वहाँ पे जो अमृतसर का ATC होता है, जिसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उन्होंने अनुमति भी नहीं दिया कि आप जहाज को ले जाओ। मतलब सोचिए उन्होंने कितना दबाव बनाया होगा उस समय, पायलट पे लोगों को मारने के इरादे होंगे, जो भी चीज़ें रही होगी उस समय। तो उस तरह से उन्होंने विमान को विदाउट एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अनुमति से बिना तेल भरे अमृतसर से ले गए। और अमृतसर में वो विमान जो है लगभग लगभग कुछ देर रहा, लेकिन उस दौरान जो है इंडियन एजेंसियाँ ने
आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाए, मतलब जो भी उनकी नहीं हो पाए, क्योंकि जान लोगों की फंसी थी, है ना, लोगों की जान थी, और उतने लोग जान चली जाए तो अच्छी चीज़ नहीं थी। उसके बाद जो है जब अमृतसर से विमान उड़ गया, उड़ने के बाद विमान एक बार फिर लाहौर का रुख किया, मतलब पाकिस्तान, सबको पता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो उस समय एरिया थे हमारे, वो आतंकवादियों के मेन गढ़ थे, ठीक है। तो वहाँ रुक किया और रात 8:01 करीब जो विमान जो है पाकिस्तान के लाहौर में उतर गया। हालांकि उस समय भी जो लाहौर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उसने इजाजत नहीं दिया, उतरने मना नहीं, मना कर दिया कि भाई उतरने, लाइट बंद कर दी गई थी और जो भी रडार वगैरह सिस्टम होते हैं जो भी वो सब हटा दिया गया था कि उसको दिखाई नहीं देगी। उसके बावजूद भी जो है विमान को क्रैश लैंड करना पड़ा और लाहौर में विमान को फिर वापस भरा गया। जब लाहौर में विमान में फ्यूल भर दिया गया तो भरने के बाद जो है रात को 10:30 करीब में विमान काबुल के लिए उड़ान भरता है वहाँ से दोस्तों, और काबुल सूचना दी गई कि यहाँ पे रात में उतरने की सुविधा नहीं है। ऐसे में विमान जो है वहाँ से मुड़ गया और मुड़ने के बाद जो दुबई स्थित वायुसेना अड्डे पर उतरने के रवाना हो गया और 25 दिसंबर 1999 को रात को 1:30 करीब बंदा विमान जो है कहाँ पर उतरा, दुबई में उतर गया। अब जब दुबई में उतरा तो अब बात थी दिल्ली शुरू हो गई कि भाई आपने विमान भाई देख क्यों किया, क्या चाहिए आपको। तो उसके बाद से जो है उनकी कुछ डीलिंग थी, डीलिंग ये थी कि अपहरणकर्ता जो थे वो चाहते थे कि 36 आतंकियों की रिहाई हो, उसमें सबसे मेन था मसूद अजहर करके दोस्तों, और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी लोगों ने, 200 मिलियन ठीक है। बाद में उन लोगों ने जो है पैसा और जो बॉडी थी उसमें बोला गया था कि उसमें एक सज्जाद अफगानी भी था जिसका बॉडी वो मांग रहे थे। बाद में तालिबान की सलाह आई क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का रास्ता था, उस समय अफगानिस्तान में जो है डेमोक्रेसी नहीं थी, और देखिए आज भी जो है डेमोक्रेसी नहीं, बीच में कुछ समय के लिए थी लेकिन बीच में हट गई, फिर से तालिबान का शासन उस समय था, तालिबान अभी भी वहाँ पे अफगानिस्तान में। तो भारत ने जो है उसकी बातों को मानना पड़ा, मजबूर के मानना पड़ा, और लास्ट में जो है ना भारत ने मसूद अजहर, मुश्ताक जरदार और उमर शेख को रिहा किया। तीन बड़े बड़े आतंकवादी थे वो जो अपने यहाँ बंद थे इंडिया में, उनको कैद कर रखा गया था, पकड़ करके उनको छोड़ना पड़ा, ठीक है। जब दुबई से, दुबई में जब उतरा रात को, फिर रात सुबह में जो है मतलब 5 घंटे करीब विमान जो है दुबई में रहा, और दुबई से सुबह 6:30 विमान उड़ा और 8:30 अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतर गया। 1 मार्च 2000 को, मतलब देखिए जसवंत सिंह ने बताया कि उसमें हुआ क्या था, जो उसमें विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट थी और जसवंत सिंह जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने बताया कि उसमें हुआ क्या था। तो अधिकारियों जो थे हमारे यहाँ के जो इंटेल ऑफिसर थे जो बात कर रहे थे, दिल्ली ऑफिसर थे वो बात कर रहे थे, उन्होंने बातचीत शुरू की और अपहरणकर्ता जो थे 10 भारतीय और 5 विदेशी यात्रियों को छोड़ने के बदले भारतीय जेल बंद आतंकी मसूद अजहर को रिहाई जाते थे। अजहर को जो है 1994 में भारतीय जेल से गिरफ्तार किया दोस्तों, है ना, और उसको छुड़ाने की पहले भी कोशिश की जा चुकी थी, कई बार कोशिश की जा चुकी थी लेकिन वो कोशिश फेल हो गई थी। बाद में लोगों ने विमान हाईजेक किया और डीलिंग किया, उसको छुड़ा करके ले भी गए, है ना। अब वापस लौटते कहानी की तरफ, हुआ ये कि जो पहली मांग थी आतंकियों की रिहाई को, उसको भारत गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया था, है ना। लेकिन हुआ ये था कि अब उनकी कोई मांग पूरी नहीं की जाए, हो सकता है कि वो जो भी वहाँ पे पैसेंजर थे उनको मार दे या उनकी घटना घट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। इसके बाद तालिबान की सलाह पे जो है, वहाँ तालिबान जो था उन्होंने मसूद अजहर समेत बहुत सारे लोगों की डिमांड की, मांगा गया पैसे मांगे, और उसके बाद जो भारत कहना था कि आतंकवादियों की रिहाई की मांग भी जो थी गैर इस्लामी है। बाद में सारी बहुत सारी डीलिंग हुई और अंत में ये हुआ कि जितने बंधक है, जितने हाईजैकर है, उनकी रिहाई के लिए पैकेज तैयार किया गया, ठीक है, जिसमें केवल 3 आतंकवादियों को, मतलब मसूद अजहर, मुश्ताक जरदार और उमर शेख को रिहा करने को गवर्नमेंट तैयार हो गई। विदेश मंत्री उस समय के थे अपने जसवंत सिंह जो है, वो खुद कांधार एयरपोर्ट पर इन तीनों को लेकर गए थे, है ना, क्योंकि ताकि जो यात्री है और चालक दल है जो भी वहाँ पर पायलट कुल मेंबर वापस आ सके बिना किसी तकलीफ के, और कोई जरूरत पड़ी मानो तो उसमें वहाँ डिसीजन ले सके भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखिए 24 तारीख को विमान का अपहरण हुआ था, लगभग 4 बजे करीब में, 5:30 करीब में, और 31 दिसंबर, मतलब 24-7-21 8 दिन पूरे लगाने के बाद जो है शाम को बंधक बनाए गए यात्री और चालक दल सदस्य। उसी शाम को 2 विशेष विमान, मतलब जहाज जहाँ से गया हुआ था वहाँ से वो लोग वापस जो है आए, और IC-814 को 1 जनवरी 2000 को, मतलब सोचिए 1 जनवरी 2000 को, मतलब अगले दिन लाया गया 12:22 पर, और जिन आतंकवादियों को रिहा किया गया था, हमारी 3 आतंकवादी थे, मसूद अजहर था, मुश्ताक जरदार था, उमर शेख था, इनको जो रिहा किया गया, ये लोग किए क्या गए थे सोचिए आप। जो मसूद अजहर था दोस्तों वो जैसे मोहम्मद को जो एक आतंकी संगठन है उसको उसने नए सिरे संगठित किया, उसके बाद से उस हमला 2001 में हुआ था उसमें शामिल था, है ना, बाद में मुंबई हमला में शामिल था, पठानकोट जो हमला हुआ 2016 उसमें था, पुलवामा हमले में था। सोचिए आतंकवादियों को पकड़ने के बाद लोग जेल रखते हैं, रखने के बाद उनको साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं पता नहीं है, लेकिन आप सोचिए उसके बाद जो छोड़ दिया गया है उसने लगभग 4 बड़े बड़े हमले इंडिया में किए हैं, 2001, 2008, 2016 और 2019 वाला, और जो मुश्ताक जरदार था वो भी अनंतनाग हमला और कश्मीर ग्रेनेड अटैक हुआ था उसमें शामिल था। उमर से जो था वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार थे, इंडियल पर लगा करके 2002 में उसने गला रेत कर हत्या कर दी थी।
इन लोगों ने ऐसे ऐसे हमले किए उसके बाद से, सोचिए कितने डेंजरस थे। अब जो असली हाईजैकर थे, जो 5 हाईजैकर थे, उनके असली नाम क्या है दोस्तों बता दो? भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ। मतलब ये 5 नाम दिखाया गया। अब जो विवाद छिड़ा है नेटफ्लिक्स पे वो यही है, शंकर नाम जो है दिखाया गया। अब इन लोगों ने क्या किया था उस समय, अपने आप को बात करने के लिए कोड वर्ड यूज किया हुआ दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से एक विमान को हाईजैक किया जाता है काठमांडू से, उसको दिल्ली जाना होता है, और उसको दिल्ली में जा करके बीच में हाईजैक किया जाता है कि हम जो है उस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट उसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद उसको जो है हम जो है कुछ अपने दो आतंकवादी दोस्तों को छुड़वाएंगे। उसको काठमांडू से दिल्ली में जाकर सीधे गंगा आती है, अमृतसर आती है। अमृतसर में बिना तेल भरे है ना, बिना इजाजत के वो वहाँ से उड़ती है और लाहौर उतरने की कोशिश करती है। लाहौर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, ठीक है, और वहाँ से जो है उसको जो है फिर से उड़ाकर दुबई ले जाया जाता है, और दुबई से वापस विमान जो है कांधार एयरपोर्ट पर उतरती है। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कांधार विमान अपहरण। ओके दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी ताजुब की बात है कि हमारे देश की एजेंसियाँ जो है कितनी मेहनत कर करके किसी टेररिस्ट को, किसी आतंकवादी को पकड़ती है और उनको जेल में रखती है, और बाद में जो है कुछ ऐसे मतलब घटनाओं से, आतंकवादी घटनाओं से एक्टिवेट करके गवर्नमेंट डील की जाती है कि भाई हमने आपके इतने हाईजैकर को पकड़ लिए। अब ये सीधा एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। आप देखिए इसराइल में, इसराइल और हमास की लड़ाई हो रही है, उसमें इसराइल के कुछ लोगों को हमास से बंधक बनाया हुआ है, और वहाँ की जो हमास जो है उसके सुरंग में पता नहीं कहाँ पर कैद कर रखा हुआ है। इसराइल अभी भी मतलब इतने महीने साल हो गए हैं, उन जो अपराधी हैं उनसे जो है अपने देश के नागरिक को छुड़ा ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह से लोग डीलिंग करते रहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही कायराना हरकत है, जो भी समझिए इस चीज़ को, है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी जो घटना घटी है नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज पे, और साथ में जो कंधार विमान हाईजैक है, उससे मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। आज के इतना ही, फिर बात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।